ताना बाना मोहब्बत का बुनते रहे। एक तरफ बीवी ने पागल किया है, दूसरी तरफ माँ ने क्लास लगा के रखी हुई है। बीवी से मोहब्बत करता हूँ तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन मोहब्बत माँ से भी करता हूँ, उन्हें क्या बोलूँ। किसी ने सही कहा था, शादी के बाद ना इंसान धोबी का कुत्ता बन जाता, कहीं का नहीं रहता। ये प्यार मोहब्बत इश्क ये सब शादी से पहले के चौंचले हैं और तभी अच्छे लगते हैं। शादी के बाद तो बस इंसान इसी डर में रहता है कि गलती से मुंह से कोई ऐसी चीज ना निकले कि अगला बंदा बुरा बना जाए। माँ के सामने अदब में चुप रहो, बीवी के सामने डर में। मैं आपको बता रहा हूँ फूफा, ये शरीफ आदमी ना शादी करके अपनी जिंदगी तबाह कर दे, बल्कि मैं तो कहता हूँ शरीफ आदमी को शादी करनी नहीं चाहिए। और अब ये मत बोलिएगा कि सेटिंग बनानी पड़ती है। एक चीज जो मैंने सीखने वो ये है कि माँ और बीवी के दरमियान कभी सेटिंग हो ही नहीं सकती। सही बात कहूँ तो मेरा मसला यही है, मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये बात ना मेरी माँ समझ पाती है और ना मेरी बीवी। सोया, दिल लगा के पढ़ाई करना बेटा अपनी, अच्छा, और घर की बिल्कुल फिक्र मत करना। आज से तुम्हारे हिस्से का सारा काम तुम्हारा शौहर करेगा। ये जो तुमने पहना है ये अच्छा लग रहा है तुमको। एकदम से ये बात कहाँ से आ गई है? पहले मौका नहीं मिला ना तो कैसे बोलते? थैंक यू। से दोपहर के खाने में तुम मेरी हेल्प कराओगी, मैं अकेले कोई काम नहीं करूंगी। मैं मेरे पास कहाँ टाइम है खाना पकाने का? अरे खाना खाने के लिए तुम्हारे पास टाइम है तो हेल्प कराने के लिए भी टाइम निकाल लो। चलो बच्चों, खाना पकाने की शुरुआत की जाए। ये इधर? नानी उधर नहीं, इधर क्लिक करें। अच्छा ठहरो, जरा ऐनक अपनी लगा लूं। हाँ इधर। नानी यह फोन का निशान देख रही हैं आप? अगर इसे क्लिक कर देंगी तो कॉल मिल जाएगी। बहुत अच्छी बात है, ये तो समझ में आ गई। अब बताओ कि जरा वीडियो कॉल कैसे मिलाते हैं? नानी पहले कॉल मिलाना तो सीख लें, फिर वीडियो कॉल भी सिखा दूंगा। अम्मा जान, मुझे लग रहा है इस लड़की के हाथ में ना कोई गीदड़ सिंगी है। कौन सी लड़की? शायद सोया भाभी की बात कर रही है। मैं भी देख कर आ रही हूँ, घर के सारे मर्दों को उसने किचन में लगाया हुआ है। क्या वाकई? सच्ची, लग ही नहीं रहा हम लोग बहू ब्याह के लाए थे, ऐसा लग रहा है कोई बच्चा गोद ले लिया। आए तो अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो करने दो, ऐसा क्या मसला है? मसला ये है कि अपने शौहर से कराए ना काम, उसने तो मेरे शौहर को भी खीरा काटने पे लगाया हुआ है। आए है, फुरकानुद्दीन पोर्चे खाने में खीरे काट रहा है ना, दुनिया से अनोखी बात। मगर एक बात है, तुम्हें मानना पड़ेगा कि जोया ने बड़े मौके से बात संभाली। पड़ोस वाली नजमा आई हुई थी ना, उसके सामने जैन ने खाना पकाने का जिक्र कर दिया। जैन तो आजकल जो ना करे ना वो कम है। चलो अब देखते हैं मिलजुल कर क्या शाहकार बना कर लाते हैं ये लोग। माँ जान, मैंने अकेली ने ना किचन पूरा संभाल रखा था, अब ये चार लोग वहाँ क्या करेंगे समझ से बाहर है। और तुम क्या टिकटिकी बांध कर मुझे देखते रहते हो जेबू निसा के टेप रिकॉर्डर? ये बड़ों की बातों में बहुत ज्यादा बोलता है, अब मैंने देख लिया तुझे बोलते थे तुझे बताओ। पसंद आ ही गया सब, वाकई बड़ा मुश्किल काम है यार वैसे खाने पकाना। वाकई अब मुझे समझ आई है अम्मी की फ्रस्ट्रेशन, पूरा दिन चूल्हे के सामने खड़े रहना, उसके बाद घर के सारे काम करना, कोई आसान काम नहीं है ये। वाकई
ये क्या तुमने वाकई वाकई लगाई रखी है? और क्या बोलूं? हमें मुझे डर लग रहा है, ये रोज रोज कितनी मेहनत कैसे करूंगा? वाकई जोया, मैं वाकई सीरियस हूं, कैसे होगा ये? इतनी मासूम शक्ल बना के मुझे क्यों गिल्ट में डाल रहे हो? गिल्ट? क्या मतलब गिल्ट? मतलब ये सब तुमने खुद चूज किया। मैंने तुम्हें चूज किया? मुझे क्या मतलब था तुम्हारे साथ ये सब कुछ एक पैकेज में आ जाएगा? अगर तुम्हें ये सब पता होता तो मुझे चूज ना करते। 100 मौके में मिलते ना तो 100 में से 101 में तुम्हें चूज करता। थैंक यू, थैंक यू। इतना रोमांटिक मैंने डायलॉग माना है, बंदा थोड़ा सा कोई ढंग का जवाब दे देता है, ये क्या थैंक यू? थैंक यू बोला तो है, और क्या करूं मैं? थैंक यू जी, थैंक यू जी, आपने मुझे थैंक यू बोल दिया, ठीक है? सो जा, सुबह जल्दी उठना है। वाकई? निकालो वो प्रॉब्लम्स जो उस दिन सॉल्व करवाई थी। ये बैग का क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? आपको पता है दुनिया में जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं उन सब के बैग फटे हुए थे। हैं? हाँ, ये आइंस्टाइन, न्यूटन, थॉमस एडिसन वगैरह सब बड़े गरीब लोग थे। बिल्लू, इसका तुम्हारे बैग से क्या ताल्लुक है? मैंने जान पूछ के फटा हुआ बैग रखा है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है कि एक दिन मैं भी बड़ा आदमी बनूंगा। तुम फटा हुआ बैग ना रख कर भी बड़े आदमी बन सकते हो बिल्लू। खैर, अब जब जैन के साथ जाऊंगी तुम्हारे लिए अच्छा सा बैग लेकर आऊंगी, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। क्यों, क्या एक और शर्त पूरी करने का टाइम आ गया? कौन सी शर्त? वही जिसमें लिखा था कि जैन भाई आपको हर महीने शॉपिंग करवाएंगे। हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। अब बुक इधर लाओ, पेंसिल और कॉपी उठाओ, मुझे बताओ चैप्टर कौन सा है। अपनी सेहत का खास ख्याल रखें, फजूल खर्ची से इज्तनाब करें। आपके सितारे कहते हैं कि माली मामलात में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कोई जरूरी काम कर रहे हो? आपने स्टार के बारे में पढ़ा था। तुम अभी तक ही सितारों वितारों के चक्कर में पड़े हुए हो। तुम्हें याद है ना शादी से पहले ये तुम्हारे सितारे क्या कहते थे? कुछ हुआ? हुआ तो है, तुमसे मोहब्बत हुई, शादी हुई, और अब मोहब्बत और बढ़ रही। ये सब सितारे तो कहते थे। आज क्या कह रहे हैं तुम्हारे सितारे? आज ये कह रहे हैं कि खर्चा मत करना। गलत कह रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आज तुम मेरी एक और शर्त पूरी करने जा रहे हो। कौन सी शर्त? क्या हुआ भाई, बड़े मजे आ रहे हैं, पढ़ाई कर ली है? आपको मेरे कॉन्फिडेंस से पता नहीं चल रहा? अच्छा, पूछो जोया से। उन लोगों को डिस्टर्ब मत करें, वो सब शॉपिंग पे जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं शॉपिंग पे? ये भी लिखा है शर्तनामे में। हाँ सोया, तो तुम्हें खरीदना क्या है? वो भी पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल तुम्हें शॉपिंग पे ले जाना पड़ेगा। यार, मैंने अभी अपने स्टार में पढ़ा था कि एक हफ्ते तक फजूल खर्ची मत करना। तुम्हें मेरी शॉपिंग फजूल खर्ची लगती है? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं फिर क्या मतलब था? मतलब जरूरी? बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, कर लेंगे। ऐसे मुंह बना के लेके जाना है तो मुझे नहीं जाना, ले जाना है तो अच्छे मूड के साथ लेके जाओ, नहीं तो नहीं। ऐसी बना लो। बेटर। Thank you.
सुनते रहे सारे शिकवे गिले हंस के सुनते रहे। हम सितारों की जालों पे करके यकीन, हम सितारों की जालों पे करके यकीन, प्यार की राह से फूल चुनते रहे। ये जो दिल है मेरा ये मेरा ना रहा, दिल लगी मेरे दिल को कहाँ ले गई, जानते ही नहीं जैसे वो कौन है, सादगी हुस्न की मेरी जान ले गई। लगते मासूम हैं अपनी तस्वीर से। अम्मा जान, मैंने आपसे कहा था ना इस लड़की के पास कोई जादू मंत्र है, वो तो देखा यादना जैन को शॉपिंग पे ले गई, जैसे दिल चाह रहे वैसे चला रही है सबको। आप थोड़े दिन रुक जाइए, ये सारे जो है ना ये इन सब से झाड़ू पोछा करा रही होगी पूरे घर का, अब किचन में तो लगा ही दिया उसने। अम्मा जान आप क्यों नहीं फौजिया भाभी को मना करती हैं, इनके पास जोया के अलावा और कोई टॉपिक है ही नहीं। अच्छा तो क्या करें, अपने पले पलाए बेटे को किसी और के हवाले कर दें? भाभी वो उसकी बीवी है, थोड़ा सा स्पेस दें उनको। और वैसे भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं इतना कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है। उस्तानी जी ये ना आपका स्कूल है और ना मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, तो अपना लेक्चर ना अपने पास ही रखो तुम। फौजिया फौजिया बस कर दो, नया झगड़ा मत खड़ा कर देना। फुरकान साहब आप तो रहने दीजिए, कल खीरे काट के जितना आपने मुझे मायूस किया है ना मैं सोच भी नहीं सकती। ठीक नहीं कहते थे क्या? फुरकान भाई आपने खीरे काट कर शहीदों में नाम तो लिख दिया जबकि सारा काम मैंने और जैन ने किया था। शायद अब तुम टॉपिक मत चेंज करो। अच्छा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्लू ये तुम्हारा बैग। अरे इसकी क्या जरूरत थी? इसके बैग को देखकर लग रहा था कि जरूरत है इसीलिए लाई। ये आपके लिए। ओ, मेरे लिए? थैंक यू दादी। ये आपके। अरे जीती रहो बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तोहफे जरूरत के तहत थोड़ी दिए जाते हैं, मेरा दिल चाह रहा था इसलिए मैं ले आई। और अम्मी ये आपके लिए, मुझे लगा ये कलर आप पे बहुत सूट करेगा। और अब्बू ये आपके लिए। शुक्रिया, जीती रहो। मैंने अपने अब्बू को कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, मौका ही नहीं मिला। और जब मौका मिला तो अब्बू ही नहीं थे, लेकिन आज ये हसरत भी पूरी हो गई। अरे शायद नहीं आ, जरा जगह दीजिए, इधर आओ या मेरे पास बैठो। बेटा आप, मेरी भी कभी कोई बेटी नहीं थी, आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि वो हसरत भी पूरी हो गई। जीती रहो। अरे वाह क्या सेटिंग बनी है, बेटी को बाप मिल गया, बाप को बेटी मिल गई। अच्छा चलो तोहफा तो खोल के दिखाओ सब अपना अपना भाई। अब मेरा भाई नहीं सर। अब ये मिल गया, मुबारक हो। याद आ गया आपको मेरी? याद उसे किया जाता है जिसे कभी भूले हो। मुझे तो अपनी बेटी हमेशा याद रहती है। रहने दे अम्मी, बहुत पुराना डायलॉग है। नाराज क्यों हो रही हो? बस जरा मसरूफ थी। घर में सब कैसे? सब ठीक है, तुम अपना बताओ। कुछ नहीं, बस क्लासेस शुरू होने वाली हैं थोड़े ही टाइम में। तुमने खीर बनाई? बना लूंगी। क्या अभी तक नहीं बनाई? बेटा जोया तुमने इस रस्म को तो बहुत लेट कर दिया है। इतनी जल्दी क्या है, बना लूंगी। जोया बहुत बुरी बात है, शुक्र करो मैके से अच्छा ससुराल मिला है तुम्हें। तुम जल्द से जल्द खीर बनाओ और फिर घर के कामों में अपनी सास का हाथ बटाना शुरू करो। आपने बातें सुनाने के लिए मुझे कॉल की है? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, तुम्हें इतने अच्छे लोग मिले और तुम ये कर रही हो। अम्मी इतनी बातें तो ना मेरी सास ने मुझे अभी तक नहीं सुनाई है जितनी आप सुना रही हैं, बल्कि वो तो मुझे कुछ कहती ही नहीं है। और एक आप है, मेरी सगी माँ है ना, और बिल्कुल ठीक कहा है आपने, मेके से अच्छा ससुराल मिला है मुझे। यहाँ कम से कम सब मेरा ख्याल तो रखते। आपकी तरह नहीं, बेटी से जान छुड़ाई और चली गई। तुम्हें जो समझना है तुम समझो, लेकिन खुदा के लिए जोया
किसी को शिकायत का मौका मत देना। जाएं आप अपनी दूसरी बेटियों से प्यार करें। खुदा हाफिज। अरे आए हैं, बैठे प्लीज। नहीं नहीं, मैं बैठने नहीं आई। वो तुमने जो आज मुझे जोड़ा गिफ्ट किया था ना, उसके लिए थैंक यू कहने आई हूँ। बहुत अच्छी चॉइस है तुम्हारी। थैंक यू की क्या जरूरत है? नहीं जरूरत है, यहाँ तो किसी को मेरा बर्थडे भी याद नहीं रहता। तोहफा तो बहुत दूर की चीज़ है, तो जब मेरे लिए कोई कुछ करता है ना, मैं उसको थैंक यू जरूर कहती हूँ। तो आप मुझे बताएं ना अपनी बर्थडे, हम सब मिलके सेलिब्रेट करेंगे। अरे नहीं नहीं, अब इस उम्र में बर्थडे के चोंचले अच्छे लगते हैं क्या? तो ऐसे ही कह रही थी। वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। असल में मुझे खीर बनानी है। हाँ तो बनाओ ना, मैंने कोई तुम्हारा हाथ पकड़ा है? वो एक मसला है। हाँ तो तुम्हारे शौहर को इतराज होगा ना किचन में जाने से। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली मुझे खीर बनानी नहीं आती। लो, खीर बनाने में कौन सा हाथी घोड़े लगते हैं। अगर तुम्हारे शौहर को तुम्हारे किचन में जाने से इतराज ना हो तो मुझे बता देना, मैं सिखा दूंगी। वाकई? फिर तो मैं कल ही खीर बना रही हूँ। अच्छा अच्छा, कोरोना फैला हुआ है, थोड़ी एहतियात करो। अच्छा सुनो, सुबह आ जाना, मैं खीर बनाना सिखा दूंगी। ये देखो, बस इस तरह चमचे चलाते पकड़। कल शॉपिंग पे गई थी, अपने लिए क्या लिया? वैसे टिपिकल औरतों की तरह मुझे कुरेदने की आदत तो है। तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने अपने लिए कुछ नहीं लिया, सब था तो मेरे पास। जोया, जोया किधर हो? लो बुलावा आ गया तुम्हारा। लेकिन इसका क्या करूं? छोड़, जब तक मैं चमचा चलाती तुम उसकी बात सुन के आओ। तो क्या फैलाया है तुमने सब कुछ? मुझे शर्ट नहीं मिली। कौन सी शर्ट थी? पता नहीं। क्या मतलब पता नहीं? कौन सी शर्ट थी, कलर क्या था, फॉर्मल थी, चेकर्ड थी, टी शर्ट थी? मुझे पहनने के लिए कोई ढंग की शर्ट नहीं मिल रही। इतनी सारी शर्टें यहाँ भी और वहाँ भी, तुम्हें एक भी ढंग की शर्ट नहीं मिल रही? नहीं, एक भी ढंग की नहीं। और ये मैं वैसे भी सारी पहन चुका हूँ। तो दोबारा पहन लोगे तो सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी? कैसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हो यार। तो आप माशाल्लाह से जो कल इतनी शॉपिंग करके आई हैं, जरा सा भी ख्याल नहीं है कि मेरे लिए कोई नई शर्ट ले लेती? तो बोल देते। बोल देते क्या मतलब? बाकी घर वालों ने क्या कोई स्पेशल एप्लीकेशन फिल करके दी थी आपको कि जी हमारे लिए शॉपिंग करके ले आएगा, जो आप मुझे भूल गई? अच्छा, तो सिर्फ ये पॉइंट रजिस्टर करवाने के लिए तुमने इतना सब कुछ फैलाया है? यार बहुत बड़ी अटेंशन सीकर। हाँ, मैं टेंशन सीकर? क्या तुम्हारी टेंशन नहीं सीख करूंगा तो किसकी, मोहल्ले की बाकी लड़कियों की करूंगा? उसके बारे में तो सोचना भी। हंसो मत। और एक बात बताओ, तुमने कहा था तुम घर के कोई काम नहीं करोगी, तो ये खीर क्यों बन रही है? तो ये बात भी बुरी लगी है जनाब को? जी लग रही है, अपने दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट पे जो आप रिटर्न मार रही है। देखो दोनों बातों में फर्क है। क्या फर्क है जी, बताएं। देखो अभी जो सब कुछ मैं कर रही हूँ वो अपनी मर्जी से कर रही हूँ, मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर कल को मुझ पर कोई जिम्मेदारी डालेगा तो मैं सीधा सीधा बोल दूंगी कि मेरे शौहर ने मुझे मना किया किचन का कोई भी काम करने से। और जो मेरी शामत आएगी वो तुम्हारा मसला है। ताना बाना मोहब्बत का बनते रहे। जोया ने क्या खीर बनाई है, तुम भी चख लो। मैं नहीं खाऊंगा। क्यों बेटा? जंगल का बादशाह तो शेर है,
और मजे की बात यह है कि पूरे दिन में शेर 18 घंटे सोता है और हमारी कंपनी के शेर जैन साहब है। बस एक बात पूछनी थी। क्या आपके सितारों में लिखा था कि आपकी ऐसी हालत बन जाएगी? ताना बाना मोहब्बत का बनते रहे।